जा रही है बड़ी बेटी अपनी दवाई पीने। ये तो सच्ची में पूरा तिरंगा ही बन रहा है। मैंने कल रात को भी आपसे कहा था कि ये कहीं ये तिरंगा हाँ बन रहा है यार, क्या है? मैंने रियलाइज नहीं किया, मुझे लगा तुम ऐसे ही बोल रही हो। मैंने कल रात को इनसे कहा था कि ये तिरंगा बन रहा है क्या, जब इन्होंने ग्रीन वाली निकाल चुकी थी और ऑरेंज वाली निकाली चली थी, तब मैंने इनसे कहा था कि ये पूरा तिरंगा बन रहा है क्या। उन्होंने कहा पता नहीं भैया। क्या पीना है आपको भाई? अप्पी को पीना है, उनको देखे वो बड़बड़ कर रही है और ये तैयार है बिल्कुल पीने के मुझे लिए। खुशबू भी आती है यहाँ तक। ये रात में हुआ था किस्सा। सलाम वालेकुम, आदाब और बच्चों को मेरा प्यार। आप सबका मेरे चैनल पर खुश आमदीद और सबका स्वागत। तो आज है 13 शाबान और मैं इंशाल्लाह ये 3 दिन रोज़े रखूँगी। आज मेरा पहला रोज़ा है और मेरी फजर की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। मैंने बेटी को भी दवाई पिला दी, 5 बजे दवाई पिलानी थी वो भी हो गई। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर सोने के लिए, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। और हम सब उठ गए, छोटी अपना दूध चुकोस खा रही है और बड़ी बेटी लड्डू खाने जा रही है। लीजिए। और एक बार मेरी तबीयत खराब हुई थी जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ थी मैं, तब मेरे ग्रैंड फादर को पता नहीं था कि मुझे दवाई लेनी है और वो आम काट रहे थे। तो फिर मेरी ग्रैंड मदर आई और फिर उन्होंने मेरे ग्रैंड फादर को बताया कि मुझे दवाई लेनी है। मतलब ये किस बेसिस पे सुनाई गई है? बिकॉज आई हैव अ कोल्ड। अच्छा, क्योंकि आपको जुकाम है। खा के दिखाइए मुझे, देखिए दीदी। थोड़ा सा गर्म कर लो माइक्रोवेव में। तो ये भी दूध चोकर्स वाली थी मगर इन्होंने लड्डू खा लिया, तो मैंने कहा सिर्फ दूध पी लो फिर और उसके बाद ये दवाई खाई पियेंगी। अच्छी नहीं थी। चलो मैं वो बेड पीछे साफ कर लूँ। किचन की ये ड्रॉवर में पानी पता नहीं कहाँ से आ गया है, तो मैं उसको ये देखिए शाइन कर रहा है साफ कर दूं और खोल के सूखने के लिए रख दूंगी। साथ ही साथ मैं अपना दूध भी उबाल रही हूँ। बच्चे बैठे मोबाइल देख रहे हैं और यहाँ पर इतनी गर्मी हो रही है कि मैंने एसी चला दिया आज भैया, बहुत गर्मी लग रही है। अब मैं बंद करने जा रही हूँ उसको, काफ़ी देर हो गई इसको चलते हुए। फिर मैं गई किचन में बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स बनाने के लिए, तो मैंने सोचा आज मैं हैश ब्राउन्स बनाऊंगी। आलू ले लिया मैंने, उनको छील लिया और फिर उनको ग्रेट कर दिया ये फूड प्रोसेसर में। और फूड प्रोसेसर नहीं होता है तो हैंड ग्रेटर से करना पड़ता, मेरे पास था तो मैंने आराम से कर लिया। फिर उसके बाद उसको पानी में भिगो के रख दिया और अच्छे से निचोड़ दिया। उसके बाद उसमें मैंने 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाला और नमक, काली मिर्च और अंडा डाल के, 2 अंडे डाल के मैंने अच्छे से फेंट लिया। वैसे तो 1 अंडा सही रहता, 2 अंडे ज़्यादा हो गए। और अंडों को डालकर उसके बाद मैंने अच्छे से हल्की आंच पे दोनों तरफ से सेक लिया और ये हो गया रेडी हमारा हैश ब्राउन। ये हो गया बच्चों का स्नैक स्लैश ब्रेकफास्ट रेडी। कैसा लग रहा है? क्या जाना है? स्कूल जाना है। आज छुट्टी है बेटा, चलिए खाना शुरू करिए, पूरा ख़त्म करना है। ठीक है। हाँ ये क्या है बताइए, क्या है ये? कपकेक है, खा के देखिए, सॉस में डिप करके देखिए, खाइए। कैसा है? अच्छा है, क्रंची है ना? हाँ अच्छा है। खाओ, हैश ब्राउन्स बोलते हैं, पोटैटो इसमें। माशाल्लाह बच्चों को बहुत पसंद आया, देखिए ख़त्म हो गया। पीछे वाले कमरे में सोए? यस श्योर। मेरा कमरा भी साफ़ हो जाएगा इसी हाथ लेके इंशाल्लाह। अब पीछे वाले कमरे में देखते हैं हम लोग। पीछे वाले कमरे में सोना बहुत पसंद है। Thank you.
कह रही मुझे पसंद नहीं है, गंदा है। मैं एक और बार सोनी पिछ वाली कमरे में जब मैं आई थी कि जी में जी। बड़ी वाली बेटी को बहुत एक्साइटमेंट थी दूसरे वाले कमरे में सोने की, और वो पूरे गुस्से सुना रही कि कब कब सोई। और ये कपड़े चेंज करके आ गई तो दिखा रही थी मुझको, और भी कह रही थी कि ये जो हेयर बैंड मैंने पहना हुआ है और सर पे इसका जो दूसरा वाला हेयर बैंड है वो थोड़ा सा हल्का सा निकल गया है, तो उसको ग्लू गन से चिपका दीजिए मामा प्लीज। तो तुमने क्या उखाड़ दिया था क्या उसको किसी ने? नहीं, वो गल गया था। अच्छा ठीक है, लगा दूंगी। ओके ऐसे। और आप क्या कर रही हैं ये? क्या बोली? सॉरी थी अच्छा, ये क्यों लगाया नीचे? ये सो रहा है यहाँ। कोई और सो रहा है वहाँ पे? सो जाओ भैया, साढ़े पांच देखो। किससे सीखा तुमने साढ़े पांच? अभी तो ढाई बज रहे हैं, साढ़े पांच नहीं बज रहे। ये मैं बड़ी बेटी को खाना खिला रही हूँ। खाने जा रही हूँ अफ्तारी, कुछ ख़ास नहीं है, सब लेफ्ट ओवर्स हैं सिवाय उसके अंडे के जो कि ताज़ा है। चलिए खाते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। छोटी ने अपनी ब्लॉगिंग यहाँ शुरू कर दी है, कह रही है यहीं पर ब्लॉग ख़त्म करते हैं, अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत ठंड है, बहुत भीड़ है। बाय। मम्मी देती है सारी कपड़े दिलाड़ी। ये खाने जा रही हैं लड्डू, लड्डू, और अपना रिएक्शन बताएंगे। और ये हम लोग क्या बने हैं? सूजी के लड्डू, और इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स भी लगे हैं। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये लड्डू हमने जो है सूजी के हलवे से बनाए हैं। सूजी का हलवा जैसे बनता है मैंने उसकी रेसिपी मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले भी, और उसमें मैंने लौंग डाली थी, मुझे याद आ रहा है। लौंग नहीं डालती है, मैं डालती हूँ इसलिए मैंने दिखा दिया। मम्मी मैं यहाँ खाया। कैसे लगा? अच्छा। बहुत अच्छा है ना? अभी मैं भी खाऊंगी। ये मैंने ऑर्डर किए थे जिप लॉक बैग्स, इनको जो है सबसे ज्यादा जल्दी रहती है हर चीज खोलने की। शाम से यही गेम खेला जा रहा है, कौन सी वाले हाथ में, इस वाले में। इधर देखिए, लीजिए पिछले लग गया, जाइए। तो मैं आपको उस टाइम बता रही थी ये शाम से हम लोग ये गेम खेल रहे हैं। हाँ फिर से बताओ, दिखाओ। ये तो तुमने दिखा दिया, छोटा सा कुछ लो। छोटा बड़ा है ये। ये वाला। ओह ये वाला। सो सैड। कौन सी? ये वाला। हाँ मम्मा अभी आउट हो रही है। ये वाला। हमने बहुत मारा, मम्मी ने तो हमने बहुत मारा, हमने मम्मी मारा डाली बाद में कैसे किया। मैं हार गई। ये वाला। ये है एक जीती, वन पॉइंट। ये वाला। मैं मार गई। और उनको मिल गया खेलने के लिए। अभी एक और चीज खेल के गई थी, कहाँ गया वो कौन, कहाँ गई कौन? कौन में जो रिंग्स भरनी थी वो खेला है, अब ये गई है मिक्सर अपना चलाने के लिए। हाँ ये वाला कौन खेल के गई है? मैं और अपनी छोटी बहन और मेरी छोटी बहन दुकान दुकान खेल रहे थे। अच्छा।
तो हम लोग आ गए हैं इस वाले कमरे में। मैंने सारे कपड़े हटा दिए हैं, बाद में ठीक करूंगी। मुझे अभी फ़िलहाल मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, रात का टाइम हो गया है। मैंने सिर्फ बेड साफ़ कर लिया है और ये अच्छाई रहेगी इस कमरे में रहने की कि फिर सुबह उठ के फौरी मैं इंशाल्लाह सफाई करना शुरू कर दूँगी, है ना। तो इसी के साथ मैं ये व्लॉग एंड कर रही हूँ। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बाय, वा सलामा। और हाँ, कल भी हम लोग पूरा दिन मुझे यहीं पे बिताने वाले हैं। कल की कल देखी जाएगी, है ना।